हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेली ईआरपी 9 ट्यूटोरियल वंस अगेन। आज मैं आपको बिल वाइज डिटेल्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे होता है। अभी बिल वाइज डिटेल एक्चुअली क्या होती है ये मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि बिल वाइज डिटेल होती है जैसे कि हमको ये पेमेंट और रिसिप्ट और आउटस्टैंडिंग से मतलब रहती है। हम जब परचेज करते हैं तो हमारा क्रेडिटर बनते जाते हैं और हम उनको पेमेंट करते होते हैं। सबके साथ में अलग अलग हमारे साथ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। हमको 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज का ऐसे कुछ क्रेडिट पीरियड होता है और जो कि हमको उतने दिन में हमको उसको पेमेंट करनी होती है। ऐसे ही हमारा सेल्स में होता है। हम लोगों को माल बेचते जाते हैं कंपनीज़ को और उसके साथ भी हमारी पेमेंट की टर्म्स होती हैं कि हमको 60, 90 या एडवांस में ऐसे हमको उसको करना पड़ता है, पेमेंट रिसीप्ट करनी पड़ती है और पेमेंट देनी पड़ती है। तो क्या होता है कि हमारे पास में जब अगर छोटा सा हमारे पास बिजनेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि हमको भाई हमने तीन बिल ऐसे को इशू किए हैं और तीन बिल के पैसे आ गए हैं, पूरा पूरा चलता है। बट अगर हमारे पास में बड़ी कंपनी है और ट्रांजेक्शन बहुत होती हैं और हर एक कंपनी के साथ मिलियंस में मीन्स लाखों में करोड़ों में बिजनेस चलता है, कम से कम 15-20 इनवॉइस होते हैं, 50 इनवॉइस होते हैं एक ही कंपनी के, और हमको फिर पेमेंट करनी पड़ती है, तो हमको पता नहीं होता है कि ये पेमेंट है जो किस किस बिल के अगेंस्ट में हमने की हुई है। टोटल आउटस्टैंडिंग पता चलती है। तो ये क्या होता है कि हमको एग्जैक्टली पता होता है कि हमने इस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट कर दी है और ये बिल आउटस्टैंडिंग है। हमने अगर किसी बिल की पार्शल पेमेंट की है या पार्शल पेमेंट रिसिप्ट की है तो उसको भी हम उतने ही उसके हिसाब से इंटर करेंगे। तो ये उसके लिए है। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसको शुरू करने के लिए हमको इसको अनेबल करना पड़ेगा। तो अनेबल करने के लिए क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड में बिलो में जो फीचर्स का ऑप्शन है इसको प्रेस करेंगे या फिर F11 हम दबाएंगे। सो F11 करते ही हमारे पास में अकाउंट्स अकाउंटिंग फीचर्स में हम लोग जाएंगे और आप दूसरा देखेंगे आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट जो है मेंटेन बिल वाइज डिटेल, इसको हम येस कर देंगे। ये मेरा ऑलरेडी येस हुआ पड़ा है तो इसको अब येस कर देंगे। उसको यहाँ से हम कंट्रोल एस दबा ए दबा के इसको हम बाहर निकल जाएंगे, मतलब कि वो हमारा हो गया या आप एंटर करते हुए भी पार जा सकते हैं। अब एस्केप बटन दबाएंगे, अब ये काम हो गया। अब इसके लिए क्या करना होगा, हमको जो भी हमारे लेजर्स हैं मतलब कि जो हमारे क्रेडिटर्स हैं और जो हमारे डेटर्स हैं उनके लेजर में हमको अल्टरेशन करनी पड़ेगी। वो क्यों करनी पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ, आपको पता चल जाएगा। आप अकाउंटिंग अकाउंट्स इन्फो से जाके लेजर्स में जाएंगे और अल्टरेशन पे जाएंगे। सो हमारे जो सबसे पहले हम अपना क्रेडिटर वन है हम इस पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको अल्टर करते हैं, नीचे जाएंगे इसका सब कुछ सेम रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आ गया मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस, अगर ये नो है तो आपको यस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, अगर हमारे को मालूम है कि इस पर्टिकुलर क्रेडिटर के साथ में हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन है कि भाई हम हर बिल का 30 डेज बाद पेमेंट कर देंगे, सपोज 60 डेज बाद पेमेंट कर देंगे तो हम उसको डाल देंगे। लेकिन अगर बिल बाय बिल ये अमाउंट डिफर ये पीरियड डिफर होता है तो हम उसको अलग से डालेंगे। अगर हमको मालूम है, यहाँ पर हम सिर्फ तभी फीड करेंगे, इसका हमको मालूम है चलो 30 डेज है, इसको हम 30 डेज लिख देते हैं, ठीक है, बस बाकी सारा इसको हम जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है वो सब हमको डाल देंगे, इसमें डली हुई नहीं है आप डाल सकते हैं अब, ठीक है। अब इसको इंटर कर दीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। हम दूसरा क्रेडिटर चूज़ करते हैं, ठीक है, इसको यस कर लेंगे। इसका हमको मालूम नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। अब इसका एक और तरीका है, एक यहाँ पर एक चीज़ और मेरे को बताने की है। अब सपोज़ कीजिए ये क्रेडिटर है हमारा, हम किसी एक पर्टिकुलर डेट से हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 1 अप्रैल 2012 से हमने शुरू किया, लेकिन इसकी आउटस्टैंडिंग हमारी 2011 से भी कुछ आ रही है। सपोज़ कीजिए वो 1 लाख है, इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो वो 1 लाख जो क्रेडिट बैलेंस है वो हमको भी कुछ बिल वाइज उसको करना पड़ेगा। अगर हमको मालूम है कि 1 लाख जो रुपए है ये कितने बिलों के अगेंस्ट में पैसा बचा हुआ है, मतलब सपोज़ कीजिए 5 बिल हैं उसके अगेंस्ट में पैसा बचा हुआ है और पाँचों बिलों की सेपरेट सेपरेट अमाउंट है, तो उसको हमको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ये जो डेट है ये हम डेट चेंज कर सकते हैं, यहाँ बिल का हमको नंबर डालना पड़ेगा। सपोज़ कीजिए पहले बिल का नंबर था 123, वो बिल का जो ड्यू डेट थी वो यहाँ पर हम डाल देंगे। सपोज़ कीजिए 20,000 था, ठीक है, दूसरा हम डेट डाल देंगे 31/3 को ही, ठीक है, दूसरे का नंबर था 3,4,5, इसका भी सेम अमाउंट था, इसको हम सपोज़ के लिए 40,000 डाल देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब ये तीसरा हमारा 31/3 का है, 31/3 का है, इसका भी कोई हमको नंबर डाल देंगे। तो ये सपोज़ के लिए हमको जो ड्यू डेट है इसकी 1 जून में है, 1 मई में होगी,
ठीक है, 1 मिनट डाल देंगे, बस ऐसे करके ये हमको करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। ये हो गया, ऐसे ही हम डेटर्स में सारी इसको अल्टरेशन कर देंगे, ऐसे ही हम सब कुछ डालते चले जाएंगे, सेम प्रोसेस ही डेटर्स के लिए है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गए हमारे, मेरे ख्याल मेरे तो सारे के सारे यस किए हुए हैं, कुछ में डिफ़ॉल्ट पीरियड है कि नहीं है, वो आप जैसे ही करेंगे सब में यस हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, अब हम इसकी एंट्री करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो हम ऐसा करते हैं, इसकी जो एंट्री है हम लेजर के हिसाब से चेंज करते हैं। क्रेडिटर वन है ना, तो डिस्प्ले में जाएंगे, देन अकाउंट्स बुक्स में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, और देन क्रेडिटर वन टाइप करेंगे तो हम यह आ जाएगा। इसको ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे तो उसका क्रेडिट पीरियड आ जाएगा। उसको हम अगर 1-4 से करेंगे तो उसकी सारी जो भी इंट्रीज है हमारे पास में आ जाएगी। अब देखिए, इसकी पहली इंट्री है परचेस की, जो हमारे पास पहली जो हमने इंट्री की थी पहले उसमें आ जाएगी। अब यहाँ से हम जैसे इसको इंट्री करना शुरू करेंगे, ये हमको, मैं आपको सिर्फ अल्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ, बट अब जब न्यू इंट्री करेंगे ये ऑप्शन तब आने चाहिए आपके सामने, ठीक है। ये सारी की सारी इंट्री वैसे की वैसे होती चली जाएंगी। अब देखिए, जैसे ही हम टोटल पे आ जाएंगे तब हमारे पास ऑप्शन आएगा। नहीं आया है, क्यों नहीं आया यार, ये तो गलत बात है। अब देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे इस क्रेडिटर का, हमने लेजर ओपन कर लिया है, हमने जो पहली जो इसकी एंट्री की थी वो देखेंगे। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और देखना पड़ेगा, इसके दो तरीके होते हैं, एक तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, ठीक है, बिल एलोकेशन जो होगी, और एक होगा आपको मैनुअली करना पड़ेगा। सो आप F12 प्रेस करेंगे यहाँ पर परचेस की वाउचर में जाके, ये एवरी टाइम आपको नहीं करना होगा, आप परचेज इनवॉइस की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। सो यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये यूज़ डिफ़ॉल्ट्स फॉर बिल एलोकेशन, अगर आप इसको येस करते हैं, ठीक है, अगर आप इसको येस करेंगे तो आपको एक नई विंडो पॉपअप होके नहीं आएगी, आपको डायरेक्टली जो भी आपने उसका सप्लायर का बिल नंबर डाला है वो ऑटोमेटिकली ही आपका आउटस्टैंडिंग के उसमें चला जाएगा। बट मैं चाहता हूँ आप इसको नो करें, क्योंकि आप उसको देखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, आपको पता चल जाएगा। बट जैसे ही आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा अच्छे से कि आप सही एंट्री कर रहे हैं और सब कुछ ठीक तरीके से जा रहा है, तब आप उसको यस करके आप करें कि बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ होता चला जाए, ठीक है। आप इसने नो कर दिया, आप इसको कंट्रोल ले दबा के उसको सेव कर लेंगे। अब देखिए, एंट्री कीजिए, सप्लायर का इनवॉइस नंबर वगैरह जो कुछ डाला है आप इसको, कुछ सेम सब तरीका वही है जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब जब उसके टोटल पे जाएंगे तब हम एंट्री करेंगे, तो जो बिलवाइज डिटेल की जो एंट्री है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए, जैसे ही इसी न्यू आया है, न्यू रेफरेंस, मैंने वहाँ पर ऊपर डाला था सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो था 0003 था, ठीक है, यहाँ पर आ गया 30 डेज़ का पीरियड। अगर मैं इसको चाहता हूँ चेंज करना तो चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। अभी इस बिल को भी अगर मैं आगे टुकड़ों में करना चाहूँ तो वो भी कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए मैं सिर्फ 31,000 को करना चाहता हूँ, ठीक है, न्यू रेफरेंस, इसको सेम रहेगा रेफरेंस, 1,03,000 को मैं चाहता हूँ, ये 60 दिन बाद मेरा आउटस्टैंडिंग रहेगी, तो हम ऐसे करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे, तो ये आउटस्टैंडिंग में चला गया, ठीक है। अब मैं आपको पेमेंट की भी यहीं कहीं बता देता हूँ। अब देखिए, ये पेमेंट की एंट्री आई, ठीक है, सपोज़ कीजिए हम न्यू कर रहे हैं, मैं इसको अल्टरेशन कर रहा हूँ, आप इसको ऐसे अल्टर भी कर सकते हैं, बट सपोज़ कीजिए आप इसको न्यू एंट्री कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे ही ये बैंक चूज़ किया मैंने यहाँ पर, ठीक है, अच्छा, इसके लिए एक और चेंज कर लेते हैं हम, इसको बैंक की पेमेंट की एंट्री को चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया, ये आ गया, क्रेडिटर आ गया, मैंने क्रेडिटर सेलेक्ट कर लिया, इसको 20,000 की पेमेंट की है। अब देखिए, जैसे ही हम इसको एंट्री करेंगे, अब क्रेडिटर वन में जो मेरे टोटल आउटस्टैंडिंग आ रही है वो देखिए ये आ रही है। अब मैं इस किस बिल की पेमेंट कर रहा हूँ, मैं इसकी इस बिल की पेमेंट कर रहा हूँ, सबसे पहले जो मेरा बिल है ये पेमेंट कर रहा हूँ मैं इसकी, इसकी कितनी पेमेंट कर रहा हूँ, सिर्फ 20,000, तो उसके खाते में सिर्फ 20,000 ही आएगी। ऐसे करके इसको, इसका जो भी इसकी डिटेल्स है वो बना देंगे, और इसको हम वाउचर प्रिंटिंग करना है तो कर लेंगे, अदरवाइज इसको एस्केप दबा के वापस चले जाएंगे, ठीक है। होप ये आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक फ्रेश एंट्री और करके दिखा देता हूँ सेल्स की, उससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम पहले हम सेल्स की एंट्री करेंगे, F8 दबाएंगे, सेल्स वेट की एंट्री करेंगे 4% की, ठीक है। ये मेरा
सेल वैट नंबर आ गया, ठीक है। रेफरेंस में अगर मैं कुछ डालना चाहता हूँ डाल सकता हूँ, डेटर ये हो गया, इसको मटेरियल मैंने ये पेज सेल किया, डेली ओ डाउन से मैंने सपोज किए इसको 50 पे, सॉरी 40 बेच रहा हूँ मैं इसके हिसाब से, ये मेरी आ गई। स्टेटस डिटेल मैं नहीं देखना चाहता, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको चेंज करने होगा बाय डिफ़ॉल्ट वाला, सो F12 प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो रहा है एलोकेशन वो डिफ़ॉल्ट हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली यूज़ वाउचर नंबर एज ए यूज, पहला ऑप्शन है यूज़ डिफ़ॉल्ट फॉर बिल एलोकेशन, ये नो हो रहा है, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ वाउचर नंबर एज ए बिल रेफरेंस नंबर फॉर बिल एलोकेशन, यस, इसको भी यस कर दीजिए। जो वाउचर नंबर है वो आपको मालूम है ना, वाउचर नंबर जो मेरा इनवॉइस नंबर है, तो जब भी मैं पैसा रिसीव करूँगा तो इनवॉइस नंबर के अकॉर्डिंग करूँगा, इसको यस कर लीजिए। आप यहाँ से कंट्रोल ए दबा के उसको प्रेस हो जाएगा। अब आप इसको जैसे ही इंटर करेंगे आपको आ जाएगी एंट्री, नई बिल एलोकेशन की जो बिल वाइज डिटेल की जो आपको विंडो है वो आ जाएगी। आप न्यू रेफरेंस में जाएंगे, आप यहाँ पर देखेंगे ये सब कुछ आ गई, जो मेरा है सेल्स का इनवॉइस नंबर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। आप देखिए कितने दिन की इसको मैं चाहता हूँ कि भाई आउटस्टैंडिंग है इसकी, सपोज़ कीजिए 30 दिन की है, 30 दिन डाल दूँगा। अगर एक भी दिन की नहीं है तो आप इसको जीरो रख दीजिए, आपको ये इमीडिएट से आपको चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी कुछ लिखना चाहते हैं आप वो लिख देंगे, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए इस जो मैंने सेल की है 1 जून को की है, अभी इसकी मैं आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, किसकी है मेरे उसकी सभी डेटर्स की, उसकी पेबल्स की और रिसीवेबल्स की मैं देखूँगा, तो डिस्प्ले में जाके यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन कैसे हैं, एक रिसीवेबल्स मतलब जो मैंने सेल की है उसके अगेंस्ट में जो मेरे को पैसा मिलेगा उसको रिसीवेबल्स कहते हैं, फिर पेबल्स जो भी मैंने परचेस की है उसको मेरे को पैसा पेमेंट करने का है तो ये उसके लिए है। लेजर, लेजर क्या है, जो मैं पर्टिकुलर एक किसी लेजर की आउटस्टैंडिंग देखना चाहता हूँ ये उसके लिए है। ग्रुप, अगर मैं चाहता हूँ एक ग्रुप की आउटस्टैंडिंग देखना चाहता हूँ ये उसके लिए है। अब देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारे ऑप्शन आपको बताए थे ना कि आप डेटर्स की ग्रुपिंग बनाइए, ये वहाँ पर बहुत काम आएगा, अभी मैं ज़रा दिखा देता हूँ आपको। पहले हम रिसीवेबल्स देख लेते हैं। अब देखिए रिसीवेबल्स मैंने किया है तो सबका रिसीवेबल्स आएगा, जितने भी मेरी आउटस्टैंडिंग है, देखिए इतनी मैंने सेल की है ये मेरा आ गया। अब जो मेरा बोल्ड में ये हो रहा है, देखिए अप्रैल को ये 1, 2, 3, 4 ये जो मैंने पहले सेल की हुई है ये उसके जो बोल्ड में आ रहे हैं ये मेरी आउटस्टैंडिंग है, ओवरड्यूज़ हो चुके हैं। ओवरड्यूज़ ये देखिए ये रिपोर्ट आ रही है ओवरड्यूज़ बाय डेज 60, 61, 61 इतने से आ रहा है, ठीक है। जून में जो मैंने ये अभी सेल की थी, जो मैंने अभी आपको प्रीवियसली मैंने जो एंट्री की थी उसमें जो देखिए इसमें मेरे को आउटस्टैंडिंग नहीं आ रही है, क्योंकि वो अभी मेरे आउटस्टैंडिंग हुई नहीं है, मैंने 1 जुलाई में एंट्री करी है, ड्यू होगा 1 जुलाई को मेरे को उसको पैसा लेने का है, ठीक है। अब इसको हम एज वाइज भी कर सकते हैं, एज वाइज के लिए एक और अच्छा ऑप्शन होता है यहाँ पर F6 पे प्रेस करें, ठीक है। ड्यू डेट अगर डिफरेंट है तो एजिंग उसके हिसाब से हो जाएगी, बट हम चाहते हैं कि बिल डेट से हो, यह लिख दीजिए। अब चाहते हैं आपको चाहिए 1 से 10 तक 15 दिन, ठीक है, दिन 15 से 30 दिन तक की, फिर 30 से 60 दिन की, फिर 60 से 90 दिन की, बस, और फिर एक्सेप्ट कर दीजिए। देखिए ये सारी की सारी आ गई। अब जो भी लेस देन नंबर की आउटस्टैंडिंग है मेरी इतनी है, जो भी इतनी आउटस्टैंडिंग है 90 से 20 दिन की इतनी है, 15 से 30 दिन की आउटस्टैंडिंग है जो ड्यूज़ हो चुके हैं, ओवर ड्यूज़ हो चुके हैं, वो मेरे पास अभी नहीं आए हैं, ये वो है सब। तो इस तरह से इसको एजिंग रिपोर्ट कहते हैं। अब इसको एस्केप करके हम वापस चले जाएंगे। अब हम पेबल्स का देख लेते हैं, ये पेबल्स का आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। ओवरड्यूस मेरा 62 डेज से ऐसे ऐसे ये सारा का सारा रिपोर्ट हो जाएगा। इसको भी अगर हम एज वाइज करना चाहते हैं इसको भी हम एज वाइज कर सकते हैं, एजिंग बाई बिल डेट सेम जो पैसे बना चुके हैं, ये देखिए मेरे ओवरड्यू हो चुके हैं, ये मेरे 30 से 60 दिन के मेरे ओवरड्यू हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं सिर्फ एक लेजर का पर्टिकुलर देखना चाहता हूँ, सो सपोज कीजिए इसका देखना चाहता हूँ, ये मेरे आ गई रिपोर्ट, देखिए। अब यहीं से ही मैं बिल की भी डिटेल देखना चाहता हूँ, तो जिस भी आप इनवॉइस के ऊपर रखेंगे उसके ऊपर इंटर करेंगे तो वो बिल की डिटेल आ जाएगी, उसके नीचे जाके आप फिर से इंटर करेंगे तो वो इनवॉइस ही ऊपर हो जाएगा, ठीक है। सो ये टैली का बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इंटर जा सकते हैं अंदर से अंदर, ठीक है। आप इसको 2 के ऊपर रेफरेंस नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर से आप इसके ऊपर वो मर्ज हो जाएगा, फिर आप देखेंगे उसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं आप ये देख सकते हैं, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर की। अब देखिए ग्रुप वाला मैं आपको कमाल दिखाता हूँ। ये अब जैसे मैंने ग्रुप बनाए थे कोई नॉर्थ की,
नॉर्थ की कितनी आउटस्टैंडिंग है भाई, मेरा बॉस पूछेगा भाई नॉर्थ की आउटस्टैंडिंग बताइए मुझको। तो आप सिंपली एक ग्रुप को ही सेलेक्ट करना है, आपको ये नहीं देखना है कि कौन कौन सी पार्टी दिल्ली की है, कौन कौन सी पार्टी हरियाणा की है, नॉर्थ साइड की कौन सी है। आपने एक ग्रुप बनाया हुआ है नॉर्थ का, उसको सेलेक्ट कीजिए, तो जो भी पार्टियाँ नॉर्थ की हैं वो सारी की सारी आ जाएगी आपकी यहाँ पर, सारी की सारी आउटस्टैंडिंग आ जाएगी उसके हिसाब से। ये पेंडिंग बिल्स हैं आपके, देखिए सारी की सारी अमाउंट आ रही है। आपको बिल वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप इनको देखिए और उसके हिसाब से क्लिक कीजिए और देखिए क्या क्या नया होता जाता है। बिल वाइज, ये बिल वाइज आ जाएगी। आप एजिंग से देखना चाहते हैं, एज कर सकते हैं, ये देखिए एजिंग हो गई। ऐसे ही आप सेलेक्ट करके जा सकते हैं। आप चाहते हैं सारे डेटर्स का एक साथ देखना चाहते हैं तो ऐसे ही देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते चले जाएंगे, ठीक है। ये हो गई, अभी एक और इसमें एंट्री रह गई है एडवांस की। सपोज़ कीजिए कभी कभी क्या होता है कि फर्म समय एडवांस दे देती हैं, ठीक है, एडवांस में हमको पैसा मिल जाता है, तो उसके लिए क्या होगा, रिसिप्ट कर लेंगे हम। रिसिप्ट में ICICI में हमको आया पैसा, किधर से किया हमने, हमारा जो डेटर है उसने हमको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, साउथ का है सपोज़ कीजिए, इसने हमको भैया 5 लाख रुपये दे दिया, ठीक है, एडवांस। टोटल कॉन्ट्रैक्ट था तो यहाँ पर हम एडवांस में डाल देंगे। उसका अगर कोई रेफरेंस नंबर आपको डालना है, उसकी कोई कोटेशन नंबर आप डाल सकते हैं, एडवांस वाउचर जो रिसिप्ट नंबर है वो डाल सकते हैं, कुछ भी ऐसा कोई डाल सकते हैं। अब यहाँ पर ड्यू डेट अगर है उसकी कुछ की, भाई इतने दिन में उस पैसे को एडजस्ट करना है, आप वो लिख सकते हैं, या इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, ये लिख दीजिए। ये हमारा उसका जो भी डिटेल्स वगैरह है वो सब फीड करके आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। ये हमारा एडवांस में चला गया। अब इसको सपोज़ कीजिए हमने ये 1 जून में पैसा रिसीव किया, अब इसका मटेरियल तैयार।